भले ही आप क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में ना जानते हो, बट कहीं ना कहीं तो आपने क्वांटम शब्द तो सुना ही। बात तो सही है। क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने के लिए हमें पहले क्लासिकल कंप्यूटिंग के बारे में समझना होगा। क्लासिकल कंप्यूटर्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं और ये बाइनरी सिस्टम पर काम करते हैं, जिसमें जीरो और एक होता है। हर एक बिट जो कि जीरो या वन होता है, उसको प्रोसेस करते हुए क्लासिकल कंप्यूटर्स कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स अलग होते हैं। उनका काम क्वांटम बिट्स या क्यू बिट्स पर आधारित होता है। क्यू बिट्स जीरो वन या दोनों स्टेट को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ बहुत सारे पॉसिबिलिटीज को प्रोसेस कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग की पावर जो है वो बहुत सारे कैलकुलेशन को पैरेलल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को क्लासिकल कंप्यूटर से जल्दी और एफिशिएंटली सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग अभी तक डेवलप स्टेज में है और अभी तक हम इसके बारे में पूरा पोटेंशियल को नहीं समझ रहे। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स की टेक्नोलॉजी को और डेवलप करने में लगे हुए हैं, ताकि हम फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर्स का फुल एडवांटेज ले सकें। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।